ऐसे मंजर की आमद के बाद आपके दिल में जो हौसला जो जज्बा पैदा होना चाहिए वो यही कि काश हमारी कौम का हर बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाता। इन हजरात की इन हुफाज की उम्र देखें आप और देखें खुदाए पाक का कितना करम हुआ है। ये छोटा सा इदारा हर साल आप हजरात की खिदमत में हुफाज की सूरत में हदिया मोहब्बत पेश करता है। आप इसे जकात देते हैं, फितरा देते हैं, सदका देते हैं। उसके बदले ये महबूब इदारा आपको हाफिज़े कुरान देता है, कारी कुरान देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये इदारा तरक्कियों की मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। असातज़ाए किराम की कदो काविश, उनकी मेहनतें शाख़ा का नतीजा दस्तारे हुफाज की सूरत में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फरोग़े इल्म व फन की करके तैयारी निकलते हैं, लिए जहनों में अपने दीनी बेदारी निकलते हैं। खुदा के फजल से मखदूमिया वो कारखाना है जहां से बच्चे बनकर हाफिज़ो क़ारी निकलते हैं, जहाँ से बच्चे बनकर हाफिज़ो क़ारी निकलते हैं। और दीगर तमाम शख्सियात इल्मी शख्सियात का पैगाम अल्लामा अलहाज नूरुल हसन साहब क़िबला, शहजादगाने हुजूर शेरे बिहार और खतीबुल हिंद शेरे रजा अल्लामा अजहरुल कादरी और दीगर तमाम उलमा का एक पैगाम के मिजाज वक्त में तरमीम की जरूरत है, जदीद कुव्वत तफहीम की जरूरत है। बगैर इसके तसव्वुर नहीं तरक्की का, हर एक महाज पे तालीम की जरूरत है, हर एक महाज पे तालीम की जरूरत है। दुआ करें कि इस इदारे की हर ईंट सलामत रहे। जनाब मोहतरम मुखिया दिलजान साहब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ गो हूं। सैयद जान साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मगफिरत फरमाए। उलमाए अहल सुन्नत के तई उनके एहतराम का और मोहब्बत का जो जज्बा हुआ करता था यकीनन काबिल दीद हुआ करता था। कुदरिया मखदूमपुर और अतराफ के तमाम मुसलमानों ने अहल सुन्नत इस इदारे के मुआविनीन मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे। आप हजरात हुक्म हो रहा है उलमाए अहल सुन्नत का मिंबर शरीफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने जो इस इदारे को ताबुन किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका बदला आप हजरात को अता फरमाया है हुफाज की सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए। बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। मैं बिला ताखीर शायर अहले सुन्नत फकीर कुछ है मखदूम सिमना, अगर के छौछा का लोबान घर में जल जाए तो खुशबू आज भी भीनी जरूर निकलेगी। अगर नमाजी हो बाबा फरीद के जैसा तो फिर मसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी। अगर नमाजी हो बाबा फरीद के जैसा तो फिर मसल्ले से चीनी जरूर निकलेगी। और मोहम्मद की गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मारफत का जायका कुछ और होता है। शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूम सिमना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है। मोहतरम सोहराब रजा कादरी तशरीफ ला रहे हैं, इनके बाद इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद शेरे रजा मुफक्किर मिल्लत ताजदारे खिताबत खलीफे हुजूर शेरे बिहार हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला का खिताब नायाब होगा जनाब सोहराब रजा कादरी। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कंसूए मां शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन रास्ता
रास्ता वो पड़ा मौत पर हो गया। रास्ता वो पड़ा मौत पर हो गया। जिस तरफ से नबी का गुजर हो गया रास्ता वो। चूंकि महबूब भाई बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग सबकी नजरों में वो मौत पर हो गया। मैं वो दिल्ली का मंजर भूल नहीं सकता। इतने तनहा एवांदे बादल वाकई में जलजला पैदा कर रहा कि सबकी नजरों में वो मौत पर हो गया। सबकी नजरों सबकी नजरों में वो सबकी नजरों में वो मौत पर हो गया। सबकी नजरों में वो मौत पर हो गया। जो खुला में शहे बहरों पर हो गया। सबकी नजरों चूंकि बहुत बड़े लोग हैं, मेरी कोई औकात नहीं, बस कुछ सीखना चाहता हूं। मैं महबूब साहब क़िबला, आप मुनफरिद नक़ीब हैं, खुद शेर लिखते हैं और कहते हैं। मैं ऊपर गया था छत पर, मैंने देखा लिंटर नहीं हुआ है साहब, कोई किसी ने कहा नहीं चंदा मांगने के लिए और ना मैं कलेक्शन करने के लिए, मेरी कोई औकात नहीं। कमेटी मना किया कि कुछ करना ही नहीं है, हम लोग काफी है। लेकिन महबूब भाई का भी एक इशारा है कि शेर पढ़ो, लिंटर बाकी है, जो कुछ तोहफा मिले रख लेना मदरसे पर से देना। किसी ने नहीं, आपने शमीम भाई को दिया है, मेरा भी हक है मुझे दे, मैं भी मेहमान हूँ साहब। लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ मदरसे के लिए, जो कुछ लीजिएगा। मैं भी एक दिन मदीना चला जाऊंगा। तैयार हो जाए, लिंटर बाकी है साहब। मैं भी एक दिन मदीना चला जाऊंगा। एक इशारा नबी, एक इशारा नबी का गगन हो गया। मैं भी एक दिन मदीना एक झूठी आंधी आई, दस बीस दे के चले गए। बड़े बड़े तूफान बैठे हैं, 10,000 के मोबाइल लेके। कोई बात इसकी जरूरत नहीं है, मैं मतलब सहे में शाम के पे, सहे में शाम के पे खामोशी की चादर ओढ़े। सहे में शाम के पे उनकी अता से बन जाते हैं, उनकी अता से बन
बचाते हैं, जालिम भी आराम के पे हिंदुस्तान। बहुत बड़े शायर हैं आप, मैं शेर पढ़ना चाहता हूं। बुतखाने की शामत लाई, बुतखाने की शामत लाई, जब से घुमर ले बुतखाने की शामत लाई, जब से घुमर ने कलमा पढ़ा, गुलशन गुलशन सहरा सहरा उगने लगे इस नाम के पे, गुलशन गुलशन सहरा सहरा उगने लगे इस आपकी इस्लाह की जरूरत है। मैंने सुंदर सुन रखे हैं। अल्लाह दास्त नबी के लम्स की रहमत क्या कहिए, अल्लाह अल्लाह दास्त नबी के लम्स की रहमत क्या कहिए, जिसने खाई जिसने खाई अजवा खजूरे, तेरी जरूरत नहीं है मदरसा बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह दास्त नबी के लम्स की रहमत क्या कहिए, जिसने खाई अजवा खजूरे भूल गए बादाम के पेड़, सहमे शाम के पेड़। चुके चुके महबूब भाई किबला ने कहा है सौराब देखो बहुत अजीब लोग बैठे हैं, दो शेर पढ़ के बैठ जाना, उसके बाद नातिया मुशायरा होगा हजरत की तकरीर के बाद। एक आखिरी शेर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, मन सब की ला लच में फंस कर दीन के टुकड़े मत कीजे, दीन की खातिर करबो भला में, दीन की खातिर करबो भला में, कट गए कितने काम के पेड़, सहमे के पेड़। सुनिए सुनिए।